अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैडम हमारी बात सुनिए, ये देखिए ये है ये हमारा बेटा शिव और ये गौरी हमारे बेटे को ना गौरी ने किडनैप कर लिया है, पता नहीं कहाँ ले गई है। अब ठीक है, लगता है आपके पैर में लग गई, आप चलिए वहां चल के बैठ जाइए। तो कैसी बातें कर रहे हो, हम बैठ जाए, बैठने की बातें कर कैसे सकते हो, और ये हमारा बेटा गायब है, पता नहीं कहां है, इतने साल में गौरी क्या करेगी उसके साथ कुछ नहीं पता, और तुम बोल रहे हो हम बैठ जाए, अरे माँ हम बैठ कैसे सकते हैं, और तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम। मैडम जी नहीं चाहिए। देखिए मैडम जी, मैं जानता हूँ कि आपके आंसू कमजोरी के नहीं है, बल्कि आप तो इतनी बहादुर हैं कि आपने मुझ जैसे अनजान इंसान की ये जानते हुए भी सहायता की कि मैं एक अपराधी हूँ, ऊपर से आपने मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी इतनी मदद की। देखिए मैं आपके पति जीत जी की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन क्या मैं आपकी जिंदगी में एक दोस्त की जगह ले सकता हूँ, ताकि मैं पूरे हक से आपकी मदद कर पाऊँ। जानता हूँ आपका बेटा शिव लापता है, आप परेशान है, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को शहर से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, आप यकीन कीजिए मेरा आपका बेटा मिल जाएगा। हाँ ये वही है, अरे सुनो ये जो वीडियो चल रहा है ना ये वही है। सुनो कहीं ऐसा ना हो, पहले कंफर्म कर लो। देखो ना बच्चा भी तो वही है। मैं उस औरत को फोन करके बता देती हूँ। हाँ भागकर जाएगी कहाँ ये। हेलो हाँ मैं, आपने वो वीडियो रखा था ना बच्चे वाला, वो औरत हमें दिखाई दी है जो वीडियो में थी, और बच्चा भी उसी के साथ है। क्या आप जल्दी आ जाओ गणेश मंदिर में। जी जी हम अभी आते हैं, थैंक यू। ठीक है हम उसका पीछा करते हैं। हाँ चलो। शिव का पता चल गया, वो गणेश मंदिर के पास है। चलिए मैडम। बप्पा हमारी मदद करो, हमें रास्ता दिखाओ, शिव हमारा सब कुछ है बप्पा, एक बार फिर से इस पूरे परिवार को एक साथ मिला दो बप्पा। बप्पा हमारा परिवार बिखर रहा है, हमें एक साथ रहने का रास्ता दिखाइए।
अम्मा जी, पापा ने अपना संकेत दे दिया। गणपति बप्पा, मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया। देखा सरस्वती, बप्पा ने अपना आशीर्वाद दे दिया हमें। बस अब हमें ना अपनी कोशिश जारी करनी होगी, अपने शिव को ढूंढना होगा। जी अम्मा जी, चलिए। हमें ऐसा क्यों लग रहा था जैसे सब लोग हमें घूर घूर के देख रहे हो और हमारे बारे में बातें कर रहे हो, लेकिन हमें तो यहाँ कोई जानता नहीं है, तो फिर कैसे? इसका नाम है कौरी, ये हमारे बेटे को लेकर भागी है। ये हमारा बेटा है और अपने बेटे को ले जाना कोई पाप नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। माँ, कृष्णा को ना छोड़ेंगे नहीं हम। माँ, नहीं नहीं शिव, कौरी, शिवम, मैं कहाँ पर हूँ? शिव, शिव, माँ के पास जाना है। दूर हो जाओ मुझसे। शिव, मरियम, एक बार हमें देखो तो। हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको लेकर जा रहे हैं। हम जाएंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पक्का, प्रॉमिस। बस अभी शांत हो जाओ, प्लीज प्लीज। आप मेरे माँ नहीं हो, कृष्णा मेरी माँ है। ज्यादा अच्छी आपसे, आप बहुत बुरी हो। क्यों बोलते हो हमारे बारे में? आपको बहुत मजा आता है, आपको पता है कितना बुरा लगता है मैं आपके मुंह से ये सारे शब्द सुनकर। और आपकी माना हम है असली, कृष्णा आपकी माँ नहीं है, और हम जानते हैं आप इतनी नफरत क्यों करते हो हमसे। उस कृष्णा ने आपके कान भरे हमारे खिलाफ भी। आपको पट्टी पढ़ाई है, झूठी पट्टी पढ़ाई है आपको, लेकिन आप चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। आप उसकी बात मत मानो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी माँ है असली माँ। आपके बारे में कुछ बुरा कहा नहीं है, बात सच में बहुत बुरी हो। अब आपको बाद में समझाएंगे, इस वक्त हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो हमारे साथ, चलो। समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों इतनी जल्दी आप पहुंच कैसे गए? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन दोनों के सामने नहीं आ सकते, और ना अपने बच्चे शिव को आने देंगे। इस बार ना हमारे शिव को हमसे तुम नहीं छीन पाओगी कृष्णा, हम अपना बच्चा किसी को नहीं देंगे। तुम कुछ भी कर लो गौरी, मुझे पता है कृष्णा मुझे बचाने जरूर आएगी। तो फिर वो आदमी अपनी पत्नी की बात मानकर अपने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़कर आ गया, बहुत घने जंगल में। और जब वो अपने घर आ गया, अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा ना,
तो पता है क्या हुआ? क्या? वो दोनों बच्चे जिन्हें वो जंगल में छोड़कर आया था वो वापस आ गए। कैसे? फिर उन लोगों ने पूछा कि तुम लोग वापस कैसे आ गए, तो उन बच्चों ने बताया कि जब वो अपने घर से निकल रहे थे ना, तो अपने पीछे छोटे छोटे पत्थर और पत्ते फेंकते हुए जा रहे थे, जिससे अगर वो जंगल में खो जाएं, तो अपने घर वापस पहुंच पाएं, और वो अपने घर वापस आ गए। शिव चलो हमारे साथ। शिव शोर मत करना, हाँ हम सब ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। आप मैडम जी, आपको पक्का याद है ना उस औरत ने इसी मंदिर का एड्रेस कहा था आपको? हाँ, मंदिर तो यही है, मैं यही होना चाहिए, यही कहीं आसपास। चलिए देखते हैं अंदर। सही बोल रही हैं आप, हमें अच्छे से याद है, उसका बनाने का तरीका अलग था पर वो बना सही रहा था, इसलिए हमें याद भी है, और ये प्लेन भी उसी तरीके से बनाया हुआ है। इसका मतलब हमारा शिव यही कहीं आसपास है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गणपति विसर्जन की भीड़ में हमारा शिव खो जाए, उसे कुछ नहीं, जल्दी पहुंचना होगा शिव तक। चलिए ढूंढते हैं। अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।